नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। मथुरा जनपद सहित कस्बा गोवर्धन के स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमितों की पहचान कर उनका इलाज किया जा रहा है, तो वही टीकाकरण अभियान भी जोरों शोरों पर है। इसी बीच सोमवार को कस्बा गोवर्धन के स्वास्थ्य केंद्र पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड टीका लगाए गए। इस दौरान प्रभारी बी एस सिसोदिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सोमवार 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र पर 10 बजे टीम द्वारा कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर समय तारीख मिल रही है। इसी दौरान कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण अभियान में सोशल डिस्टेंसिंग व 2 गज की दूरी का संपूर्ण तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, साथ ही पुलिस द्वारा सहयोग मिल रहा है। ज्यादातर टीकाकरण अभियान में महिलाओं की भागीदारी बखूब तेजी रही। यहाँ महिलाएं टीका लगवा कर खुश नजर आ रही है और लोगों से भी टीका लगवाने की महिलाओं ने अपील की है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे 18 वर्ष से अधिक लोगों का 44 वर्ष तक के 18 से 44 वर्ष तक के सभी को कोविड टीकाकरण लगाया जा रहा है। कोविड का कोविशील्ड इंजेक्शन लगाया जा रहा है। मैं इसके लिए सर्वप्रथम माननीय जिला अधिकारी मथुरा, सीएमओ मथुरा और हमारे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी मथुरा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को इन्होंने चयनित करा और यहाँ पर सभी गोवर्धन क्षेत्रवासियों को इस टीके के लिए जागरूक करके सभी को हमने टीकाकरण लगा दिया। आज हमारे 100 टीके लगने थे, वो ऑलरेडी 24 घंटे पहले बुक हो गए हैं और यही स्थिति अगली 15 तारीख तक है। प्रत्येक दिवस में 100 टीके लगने कोविशील्ड के 18 से 24 साल की एज ग्रुप के और उससे 45 से अधिक एज ग्रुप के भी टीके लग रहे हैं, जिसका भी बूथ हमने लगा रखा है। दोनों ही ग्रुपों में हमारा टीकाकरण अधिक हो रहा है, उसके लिए मैं गोवर्धन क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ये अपील करूँगा कि अधिक से अधिक अपना टीकाकरण करवाएँ, मास्क का उपयोग करें और साफ सफाई रखें और 6 गज की दूरी बातचीत में हमेशा बनाए रखें। सर, कुछ मैसेज की दिक्कत सामने आ रही है क्या, कुछ कहेंगे जी? कुछ मैसेज की दिक्कत आ रही है सामने? नहीं, ऐसा हमारे पास में कोई ऐसा नहीं आया जिसके अंदर, जिसकी 10 तारीख को डे ड्यू है वो 10 को ही लगेगा और जिसका 11 को है वो 11 को ही लगेगा। अगर वो पहले आ जाता है तो हम उसका टीकाकरण नहीं लगाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले एक सूर्य का व्यक्ति आया था टीकाकरण करने के लिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गोवर्धन क्षेत्रवासियों का ही टीकाकरण गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होना है, इसके अलावा किसी दूसरे क्षेत्र का नहीं होगा, ना ही किसी दूसरे राज्य का होगा। तो मेरा गोवर्धन क्षेत्रवासियों से आपके चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ और कोविड टीकाकरण का लाभ उठाएं। जी, मेरा नाम आपने वैक्सीन लगवाई है डायरेक्ट में, कैसा महसूस कर रही है, क्या कुछ लोगों से कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, लग रहा है कि सेफ रहूँगी, कोरोना से कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सभी को लगवानी चाहिए, गवर्नमेंट अवेलेबल कर रही है तो सभी को इसका लाभ लेना चाहिए, सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। टीकाकरण बहुत अच्छी चल रहा है, भारत सरकार द्वारा देश हित में कार्य किया जा रहा है, जनहित में कार्य किया जा रहा है। मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि सभी को टीकाकरण में हिस्सा लेके ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराना चाहिए ताकि इस महामारी से हम लोग लड़ सकें और ये देश फिर से आगे बढ़े, यही संदेश देना चाहूँगा। थोड़ा हमारी खोल लो। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? अच्छा, आज 80 प्लस टीकाकरण का अभियान चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? और बहुत ही अच्छे से लोगों को डील कर रहे हैं, दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ फॉलो किया जा रहा है। आपने टीका लगवाया, कैसा फील हो रहा है और क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहोगे? टीका लगवाया, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हस्बैंड ने भी अभी 1 हफ्ते पहले लगवाया था, पैरासिटामोल लिया, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, इसके बारे में कोई आप कुछ कहना चाहती हैं, अपील करना चाहती हैं लोगों से? बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि प्लीज अपने आप को वैक्सीनेटेड कराइए, खुद को, देश को बचाइए इस महामारी से। और बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आरएस बाली बंगाल में ममता सरकार द्वारा हिंदुओं के प्रति आए दिन अत्याचार से दुखी होकर और ममता दीदी का हिंदुओं के प्रति असंवेदनशील व्यवहार को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में साइकिल यात्रा करने का प्रण लिया, जिसका आगाज उन्होंने अपने सहयोगी नरेंद्र सिंह बिश के साथ दासना के मंदिर में यति नरसिंहानंद सरस्वती का आशीर्वाद लेकर किया। आर एस बाली का कहना है कि जब से पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार बनी है तभी से वहां पर हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, वहां पर हिंदू भाइयों को मार काट दिया जाता है, उनके घर चला दिए जाते हैं और यह सब ममता दीदी अपने गुंडों से करवाती है। देखिए, ये
जो गुरु जी है, हम इनको तन मन धन से इनको माना हमने। मैं जितनी बार भी आया हूँ, एक मुझे लाइट दिखाई देने लग गई है हिंदुओं की तरफ से, जो गुरु जी के पास जब से मैं आ रहा हूँ तब से मुझे एक ऐसी रोशनी दिखाई देने लग गई है कि अब मैं कुछ ना कुछ करूँगा ज़रूर। इनका पूरा मुझे समर्थन है गुरु जी का, और हम करेंगे ज़्यादा यात्रा ये है कि हमने हिंदुओं के अंदर जान भरनी, जो नई जनरेशन आ रही है लड़के, इनको हमने बताना कि हम हिंदू कौन हैं, हमारे साथ क्या जातियाँ हो रही हैं, और अपने गद्दार हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कुर्सियों के लिए, गद्दियों के लिए, ये अपने पैसे के लिए अपने हिंदुओं को मरवा रहे, जैसे ममता मरवा रही है, केजरीवाल है, ये अखिलेश यादव है, ये सारे हिंदुओं को मरवाने वाले, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। ये चीज़ें हमने अब अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, जो आगे जवान हो रही, उनको हमने ये बताना। जगत कब से ये यात्रा आप शुरू करने वाले? मैं ये 14 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की जयंती है, उस दिन मैं शुरू करूँगा, यहीं से करूँगा, डासना मंदिर से। कहाँ तक पहुँचेगी आपकी यात्रा? जहाँ तक भी हम जाएंगे, हिंदुस्तान जितना भी है, सब जगह हिंदुओं को खड़े करना, हमने जगह जगह, गाँव गाँव, घर घर हम जाएंगे, कितना भी टाइम लगे, कुछ भी लगे। फिर भी लगभग कितने महीनों की और कितने? 100 दिन का तो, 100 दिन का तो कम से कम होगा ये। किस चीज़ से करेंगे? पैदल यात्रा करेंगे? देखिए, मेरा जो प्रोग्राम था, मैं तो अकेला जाना चाह रहा था पैदल, पर स्वामी जी का देखो जो है राय, या जो उन्होंने हुक्म दिया मुझे कि साइकिल पे जाओ, एक आधा अपने संत महात्मा वो भी हम मेरे साथ जाएंगे, गुरु जी है कोई। देखो, मैं फिलहाल तो स्वामी जी की कोई मदद नहीं कर रहा, मैं तो सही बताऊं, स्वामी जी हमारी देखो मदद तो अलग चीज़ है आपस में एक दूसरे की, जो हमारी हमारी तरफ से इनको अपने, जो अपनी जनरेशन, जो बच्चे है या हिंदू है कमज़ोर, अब भाग रहे हैं तो भाग के कहाँ आगे, तो फिर समुंदर है, या समुंदर है, जा फिर अपने हाथों से अपनी लड़कियाँ पकड़ा दो उनको, तुम भी सलवार टोपी पहन लो, इससे अच्छा तो मरो फिर, एक को एक भी मारोगे तो जागृत तो होगे, उनको पता तो चलेगा कि भाई हिंदू जाग गया। मैं ये इनके अंदर स्पिरिट भरूंगा, जाके एक तरह करंट लगाऊंगा कि इससे अच्छा मरना अच्छा है, जा फिर अपने हाथों से अपनी लड़कियाँ उनको पकड़ा दो, टोपियाँ तुम भी पहन लो। हाँ, यहाँ से हम जाते जाते बंगाल पहुँचे, बंगाल से आगे फिर इधर उधर जाएंगे हम, 100 दिन पूरा करेंगे, उसके बाद भी देखते हैं क्या होता है। वो उठ के खड़े हो जाओ, जागृत हो जाओ, सिर जो अपने सिर तली पर रख लो, तभी बात बनेगी, भाग के नहीं बात बनेगी। और एक गद्दारों को जो है ममता ने बोला कि मुसलमान एक हो जाओ, इनको शर्म नहीं आई गद्दारों को, हिंदू एक नहीं हो सकते, तो वो बन जाती, जीत जाती, वो जिताने वाले भी ये, और लड़कियां भी, अब जो इनकी लड़कियों के साथ है, जो बुरा भला हो रहा औरतों के साथ, माँ बेटी के साथ जो भी हो रहा, उन्हीं की वजह, जिन्होंने वोटें दी है, जिन्होंने जिताया इसको, उन्हीं के साथ ये हो रहा। जैसे ही 2021 की जीत ममता दीदी के खाते में आई, उसी रात टीएमसी के गुंडों ने हिंदू भाइयों के घर चला दिए, कई भाइयों की हत्या कर दी, महिलाओं के साथ बदसलूकी की। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं अकेले ही पश्चिम बंगाल का साइकिल दौरा करूंगा और वहां पर हिंदुओं को जगाने का कार्य करूंगा। दीदी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, साथी हैं, हमारे बड़े आदरणीय, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी योद्धा हैं। बाली जी का बहुत अच्छा उद्देश्य है, मैं हर तरह से, तन से, मन से, धन से, और जो भी कुछ है उसके साथ बाली जी के साथ हूँ। बाली जी इसी मंदिर से ये यात्रा शुरू करेंगे, पूरे देश में उनका संदेश जाएगा। बाली जी को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, और बाली जी को मतलब हर तरह का समर्थन रहेगा, और बाली जी जैसे अच्छे आदमी का सभी हिंदुओं को समर्थन करना चाहिए। 100 करोड़ हिंदुओं की पीड़ा पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए बाली जी ये यात्रा कर रहे हैं, तो ये मेरा ही नहीं, हर हिंदू का कर्तव्य है कि वो बाली जी का साथ दे। ये वो ममता जिहादिन है, उसे जी मत कहो, ममता जी नहीं है, वो ममता जिहादिन है, और उसने जानबूझकर वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम करवाया है। ये बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है, तो अब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग। अब हमारी पता नहीं केंद्र सरकार क्या स्टेप लेने वाली है, लेकिन वो जिहादिन है और उसने हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार करवाया है, हमारी बेटियों को बर्बाद किया है, उसे तो जेल जाना चाहिए। देखिए, बंगाल जाना तो उनका उद्देश्य है ही है, लेकिन बंगाल में क्या हुआ ये पूरी दुनिया के सामने लाना भी बाली जी का उद्देश्य है। बाली जी का उद्देश्य बहुत बड़ा है और बाली जी ने अपने आप को इस उद्देश्य के लिए समर्पित किया है, बहुत बहुत साधुवाद उनका। बाली जी ने देखिए अभी मुझे बताया है यात्रा के बारे में, अभी बाली जी से मेरी बात हुई है, बाली जी जो भी कहेंगे
वो सारी व्यवस्थाएं शिव शक्ति धाम डासना से होंगी। बाली जी को पूरा समर्थन है। जितने भी हम सारे मठाधीशों से बात करेंगे, बाली जी जहां भी जाएंगे मठाधीशों के पास होते हुए जाएंगे और मठों में इनका प्रवास होगा, मठों में इन्हें व्यवस्थाएं मिलेंगी हर जगह पूरे भारत में। देखिए, ये हिंदुओं की मूर्खता है, हिंदुओं को इससे बचना चाहिए। हिंदुओं को इस्लाम को पढ़ना चाहिए, इस्लाम के जिहाद को पढ़ना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए। और हमारे पूर्वज, देखिए पीछे आप देख रहे हैं जो पेंटिंग बन रही है, ये शिव शक्ति धाम डासना में एक 10 साल का बच्चा अपनी गोद में अपने पिता का सर लिए हुए खड़ा है। ये हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं और उनकी गोद में उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज का शीश उनकी गोद में है। तो हिंदू इस इतिहास को कैसे भूल सकते हैं, किस तरह से हमने बलिदान दिए हैं, किस तरह से हमारे लोग मारे गए हैं, आज हम कैसे उन लोगों को भूल सकते हैं। धर्म बचाओ हिंदुओं, धर्म बचाओ, अपने परिवारों को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ। यदि तुमने अपने परिवारों को, अपनी बेटियों को नहीं बचाया तो तुम्हारा होना बेकार है। और यही संदेश बाली जी पूरी दुनिया को हिंदुओं की तरफ से देंगे। आपको बता दें कि आरएस बाली हमेशा से ही हिंदुओं की मदद करते रहते हैं और वह महिलाओं बच्चियों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार के लिए आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का उनका यह पहला दौरा होगा जिसमें 70 साल की उम्र के होने के बावजूद इतनी लंबी दूरी साइकिल से तय करने के लिए तैयार है। BCN न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन के गांव अड़िंग स्थित वाईपास का है। यहां दिव्यांग रवि ने अपने पेट पालने के लिए एक चाय का खोका खोल रखा है जिससे उसके परिवार का पालन पोषण होता रहता था। लॉकडाउन के कारण खोका पीते कई दिनों से बंद था। वहीं शुक्रवार की सुबह लगभग 10:30 बजे बिजली के तारों में हुई शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई जिससे खोका में रखा लगभग 30,000 का सामान जल गया। लेकिन सूचना के बाद घंटों बीतने के बाद भी कोई विद्युत कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं मौके पर पहुंचे अड़िंग पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब तक खोका पूरी तरह जलकर राख हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर विद्युत कर्मी समय पर आते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। वहीं स्थानीय लोगों ने विद्युत कर्मचारियों पर नाराजगी जताई। रवि कुमार अड़िंग के चेहरे पाई से खोके में आग लगी, दुकान में किसकी है? ये लाइट से लग गई है, बंद कर रहा था, बंद कर दिया मैंने, मैं चल रहा था पीछे से आग लग गई फोल्डो का ऊपर जो लाइट को ताप बिजली से। तो आपने बिजली विभाग के कर्मचारी फोन किया, लाइट बंद करा किया था लेकिन उठाया नहीं, उन्होंने सुनवाई नहीं की, आया ही नहीं है, आया ही नहीं है कोई अभी तक 1 घंटे से। कितना नुकसान हो गया? लगभग हो गया 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, मेरा सब पजर गया। मेरा नाम जितेंद्र यादव, टेम्पल यादव, कहाँ के रहने वाले? अड़िंग के निवासी। बताया जा रहा है कि घोर में आग लगी है, क्या कुछ मामला, कैसे लगी है? ये लॉकडाउन के कारण ये गरीब आदमी है और विकलांग भी है, अपने घर परिवार के लिए इसने राशन के लिए अपना खोखा लगा रखा था बाईपास। बिजली विभाग की कमी के कारण यहाँ फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट में तुरंत आग लग गई है इसके खोखे में। बिजली विभाग पर 2 घंटे से फ़ोन कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ के आग बुझाई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बिजली वीडियो साहब से जब तक आग बुझने तक आई है तो 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका है। मैं इस वीडियो साहब से दरख्वास्त करता हूँ बिजली कर्मचारियों को थोड़ा सतर्क करें, बहुत ही निकम्मा सिस्टम है बिजली विभाग। कर्मचारी दारू बिजली विभाग के कर्मचारी सूचना के बावजूद भी नहीं आए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, अभी भी कोई नहीं आया है। आग भी बुझ चुकी है, सारी जगह हो चुके हैं, अभी भी कोई नहीं आया। पुलिस आ गई मौके पर, पुलिस आ चुकी है मौके पर। स्थानीय BCN न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। कोविड नियमों का पालन करने के दौरान चेकिंग में जुटी पुलिस को देख एक बाइक सवार 3 युवक भागने लगे जिन्हें पुलिस ने कुछ दौड़ लगाकर पकड़ लिया। बाइक सवार युवकों को पुलिस थाने ले गई है। शुक्रवार को कोविड नियमों का पालन कराने के लिए थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार के निर्देशन में कस्बा के डिग अड्डा पर चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान डिग की ओर एक बाइक पर सवार 3 युवक आए और पुलिस को देख मथुरा की ओर भागने लगे। इनके पीछे पुलिस ने दौड़ लगा दी, कुछ दूर जाकर उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बाइक सहित आरोपी युवकों को पुलिस थाने ले गई। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी युवक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, टोका तो भागने लगे जिन्हें पकड़ कर पूछताछ की जा रही है। BCN न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। मर्मिक चेतना वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मातृत्व दिवस एवं फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन एवं शहर के प्रतिष्ठित समाजसेवी उद्योगपति एवं खेली प्रेम प्रिंस भाटिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में फल, बिस्किट,
भोजन मास्क वितरित किया गया। कल्याण कुंज वृद्ध आश्रम सिविल लाइन, मदर टेरेसा वृद्ध आश्रम मंगला एवं शहर के रेलवे क्षेत्र, बस स्टैंड, सिटी कोतवाली चौक में उपस्थित गरीब असहाय लोगों को प्रदान किया गया। साथ ही साथ मातृत्व दिवस इस अवसर पर वृद्धाश्रम में रहने वाली मां स्वरूप आशीर्वाद से परिपूर्ण देवियों आशीर्वाद प्राप्त कर उनके साथ महत्वपूर्ण समय व्यतीत किया गया, ताकि उन्हें अकेला महसूस ना हो। जब से शहर में लॉकडाउन है, तब से ये संस्था असहाय भिक्षुक, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को भोजन करा रही है। साथ ही साथ बेजुबानों प्रकृति की रक्षा में लगातार लगी हुई है। मार्मिक चेतना वेलफेयर सोसाइटी बिलासपुर द्वारा गरीब महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो अत्यंत ही सराहनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क बांटना एवं जागरूकता कार्यक्रम, बच्चियों को गुड टच एंड बैड टच, बाल विवाह, आत्मरक्षा परीक्षण, आत्मरक्षा के तत्काल तरीके एवं बालिका शिक्षा, भिक्षा मुक्ति, नशा मुक्ति हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस अवसर पर अंकिता पांडे शुक्ला, अजय अग्रवाल, अनुभव शुक्ला, नीरज गेमनानी, अजीता पांडे, नेहा तिवारी, रूपाली पांडे, प्राची ठाकुर, साकेत शुक्ला, जयप्रकाश तिवारी, दानी सिंह राजपूत, सौरभ तिवारी आदि सदस्य उपस्थित रहे। बीसीएन न्यूज के लिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संवाददाता की रिपोर्ट। युवा पीढ़ी समाज में वैक्सीनेशन के प्रति फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करे, गलत जानकारी को रोके। कई जगह वैक्सीन को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है, इसे आप रोके और दूसरों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसी जानकारी आशीष मनाली खंडेलवाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा दी गई। अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी की टीम को अमेरिकी ह्यूस्टन शहर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर खंडेलवाल दंपति कर रहे हैं प्रोत्साहित। जब भी देश में किसी तरह का संकट आता है तो दो प्रकार के लोग सक्रिय हो जाते हैं। एक वे जो इस संकट के कारण आहत जनता को किसी न किसी तरह राहत पहुंचाने के लिए सेवा और दान कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, दूसरे वो जो इस संकट काल में कमाई के जरिए घर भरने में लग जाते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण आए संकट में भी इन दोनों मानसिकता वाले लोग पूरी तरह सक्रिय है। समाज सेविका अंजना खंडेलवाल बताती है कि कोविड 19 महामारी में अमेरिके के ह्यूस्टन शहर से मेरा बेटा आशीष खंडेलवाल, वो मेरी बहू मनाली खंडेलवाल, मेरा बेटा बहु पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इंदौर के निवासी होकर अमेरिका रहते हैं। मुझे व अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम को प्रोत्साहित कर रहे हैं एवं इंदौर में उपचार कराने आ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को चिकित्सीय व हर संभव मदद कर रहे हैं। अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी डायरेक्टर मुस्कान भारती के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की माता अंजना खंडेलवाल समाज के वंचित वर्ग की सेवा के लिए पूरी टीम के साथ काम कर रही है। अंजना खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इंदौर की सरकारी अव्यवस्थाओं के हालात जग जाहिर है। अस्पतालों में इलाज के लिए जगह नहीं तो ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों का संकट चल रहा है। हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष खंडेलवाल ह्यूस्टन यूएसए से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनाली दूत खंडेलवाल, मैं भी ह्यूस्टन यूएसए से एनालिटिक्स कंसल्टेंट हूँ। जैसा कि हमें पता है, अब इंडिया में 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, तो आज हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने वैक्सीन स्लॉट्स बुक कराएं और जाकर दोनों वैक्सीन्स लगवाएं। हम लोगों ने हमारे दोनों डोजेस लगवा लिए हैं, इसके कोई भी मेजर साइड इफेक्ट्स हम लोग को पता नहीं लगे हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी अपने वैक्सीनेशन स्लॉट्स को बुक करें और वैक्सीन्स लगवाएं। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि सिंस कोरोना वायरस तो हो रहा है दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद, तो फिर हम ये वैक्सीन्स क्यों लगवाएं? तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि वैक्सीन्स लगवाने के बाद आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ऐसे जो भी मेजर सिम्टम्स होते हैं आप उनसे पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने वैक्सीन्स लगवाएं। और जिन लोगों ने अपने दोनों वैक्सीन के डोजेस लगवा लिए हैं, उनसे भी हमारी यही आशा है कि आप अभी भी मास्क लगा के बाहर निकलें, अपने हाथों को निरंतर सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें, क्योंकि जब तक ये महामारी ख़त्म नहीं होती है तब तक हम सभी को प्रिकॉशन लेने हैं। और इसी के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम अनमोल मुस्कान वेलफेयर सोसाइटी के मेम्बर्स हैं। ये जो वेलफेयर सोसाइटी है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इंदौर में बहुत ही लोगों को हेल्प कर चुकी है। अगर आप या आपका कोई भी जानने पहचानने वाला कोविड के या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो प्लीज़ इनको रीच आउट करें या आपको जल्दी से जल्दी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।
सरकार के राज्य स्तर पर किए जा रहे प्रयास कमजोर व नकारा साबित हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के डराने वाले आंकड़े हर दिन सामने आ रहे हैं। इसी बीच लॉकडाउन जैसी पाबंदियां पर लोगों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। इसी वैश्विक महामारी आपदा को देखते हुए अनमोल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सेवा के साथ साथ राशन सामग्री, भोजन सामग्री के प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में राहत पहुंचाई जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। पन्ना देवेंद्र नगर भारतीय स्टेट बैंक शाखा बैंक प्रबंधन कोरोना कर्फ्यू के पन्ना कलेक्टर के आदेशों को चुनौती देता नजर आ रहा है। यहां पर न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, न ही ग्राहकों को बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कोई व्यवस्था की गई है और न ही बैंक प्रबंधन का इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ है। स्थानीय प्रशासन बना मार्गदर्शक, चालानी कार्रवाई तक सीमेंट पूरी कार्रवाई, खुलेआम किराना दुकानों में लगी रहती है भीड़, सैकड़ों की संख्या में लोग घूमते नजर आते हैं। लोग घंटे दो घंटे के लिखे चेकिंग लगाकर चालानी कार्रवाई कर देने से एवं पुलिस वाहन से अपील कर देने से क्या स्थानीय प्रशासन का दायित्व कम हो जाता है? पन्ना जिले में बढ़ते कोरोना वायरस की चेन तोड़ने पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु स्थानीय प्रशासन उनके प्रयासों को विफल करता नजर आ रहा है। पीसीएन न्यूज के लिए पन्ना देवेंद्र नगर से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। यह खबर दतिया के ग्राम चिकना से है, जहां कुछ दिनों पूर्व यह गांव रेड जोन में एरिया में था। गांव की बेहतर स्थिति के लिए निरंतर प्रयास जिला प्रशासन कर रहा था और इसी के चलते जिला प्रशासन के आला अधिकारी करते थे गांव का निरीक्षण। आखिरकार रविवार को डीएम एवं पुलिस अधीक्षक दतिया ने दलबल के साथ गांव का किया निरीक्षण, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात की अधिकतर इस गांव में संक्रमित लोग हुए ठीक, जिसका जायजा लेने पहुंचे दतिया डीएम संजय कुमार के साथ साथ पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर भी। इस दौरान डीएम संजय कुमार ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग एवं घरों में रहने की अपील की। आखिरकार इस गांव की स्वच्छता को लेकर जो कुछ कहा डीएम संजय कुमार ने, देखिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट में। ये जो बीमारी है वो शहरी क्षेत्रों में तो है ही है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में फैला है। ये सिकना गांव में जहां हम लोग आए हैं, हमारे एसपी साहब आए हैं, सीओ साहब हैं, तो यहां भी कुछ परेशानी बढ़ गई थी और मुझे खुशी है कि आप सभी ने ग्रामवासियों ने मिल करके यहां के लोकल सीओ जनपद पंचायत और मेहरा साहब ने मोटिवेट किया गाँव वालों को और एक अच्छा वर्क फोर्स यहाँ पर जनरेट हुआ और आज गाँव स्वस्थ है। एक दो केस हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, तो हम यही चाहते हैं कि हर गांव में इस तरह का एक वर्क फोर्स हो। हमारे जो टीचर्स हैं वो ड्यूटीज कर रहे हैं ताकि आने जाने वालों की निगरानी हो। ये बीमारी ऐसा है, कोरोना के अपने पैर नहीं होते, ये आदमियों के पैर से इधर उधर चलता जाता है, तो यही समझने की ज़रूरत है। और आदमी के मूवमेंट ही रोकना एक इसका कारगर तरीका है और इसीलिए जगह जगह नाके लगाते हैं, रोकते लोगों को, और इसमें लोगों को खुद भी समझदारी का परिचय देना है और हमारे लोग तो वैसा करते ही हैं कड़ाई। बड़नगर इंगोरिया पुलिस द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के कहर को देखते हुए सख्ती बढ़ाई, पुलिस द्वारा लोगों को दी जा रही समझाई, नहीं मानने पर की जा रही कार्रवाई। बड़नगर इंगोरिया पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए और मरीजों की संख्या को बढ़ते देखते हुए अब सख्ती बरती जा रही है। पुलिस द्वारा गांव-गांव घूमकर लोगों को कोरोना प्रति जागरूक किया जा रहा है, साथ ही नहीं मानने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इंगोरिया पुलिस ने ग्राम बलेड़ी, ग्राम दंग वाड़ा एवं ग्राम नरसिंगा में लोगों को समझाइश दी कि कोरोना से बचे और अपने परिवार को भी बचाए और अपने गांव को सुरक्षित रखे। साथ ही नरसिंगा में गौतमपुरा की ओर से आ रहे तीन युवकों पर धारा 188 की कार्रवाई भी की, क्योंकि उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया था और मास्क भी नहीं लगा रखा था। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर तीनों पर धारा 188 के अंतर्गत इंगोरिया पुलिस ने कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस द्वारा ग्रामीणों को लगातार समझाइश भी दी जा रही है। इस मौके पर इंगोरिया थाना प्रभारी अशोक शर्मा पुलिस बल के साथ ग्रामीण क्षेत्र में लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन और प्रशासन द्वारा लगातार ग्रामीण जनों में जो ये कोरोना महामारी का प्रचार को रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार के लिए निर्देशित किया जा रहा है समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, उसी तारतम्य में आज ग्राम बलेड़ी जो कि हमारा इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ पे कई कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं और एक आध दो मौतें भी हो चुकी है। बलेड़ी गांव, दंगवाड़ा, नरसिंगा गौतमपुरा जो हमारा बॉर्डर का
पे जहाँ पे चेकिंग पॉइंट लगा हुआ वहाँ का भ्रमण किया गया। वैसे तो लगातार भ्रमण किया जा रहा है समय समय पर, लोगों को जागरूकता लाई जा रही है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, और जो सामाजिक कार्यक्रम है शादी ब्याह मान के कार्यक्रम रमजान के दौरान जो होने वाले कार्यक्रम में उन पर रोक लगाई गई है। प्रशासन यही अपील आम जनता से कर रहा है कि इस ये सब कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं, इनमें जो है लगातार जनता में जागरूकता फैलाई जा रही है कि वो प्रशासन का सहयोग करें, और जैसे जैसे ये सहयोग करेंगे वैसे वैसे इस कोरोना की चेन को हम जल्दी से तो ज़्यादा तोड़ पाएंगे और रोकथाम भी कर पाएंगे, जिससे कि हमारा इंगोरिया शहर सुरक्षित रहेगा, तहसील सुरक्षित रहेगी, जिला सुरक्षित रहेगा। सर आज कितने लोगों पे 188 कार्रवाई की गई आपका कस्बा भ्रमण? आज अभी तक कस्बा भ्रमण के दौरान जो भी जो अनावश्यक रूप से घूम रहे थे उनके 3 लोगों के विरुद्ध 188 का प्रकरण पंजीकृत किया गया है, और लगातार ये मुहिम जारी रहेगी। BCN न्यूज के लिए उज्जैन से महरुद्दीन कप्तान की रिपोर्ट। जिले में कोरोना संक्रमण की भर्ती मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ यहां के जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो गए हैं, और उन्होंने कोरोना वायरस लड़ने के लिए एक से एक तैयारी करने में जुट गए हैं। पन्ना विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन की खनिज एवं श्रम विभाग मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पहले चिकित्सालय में ऑक्सीजन कंटेंशन उपलब्ध कराए थे, अब जिला चिकित्सालय में उन्होंने अपनी विधायक निधि से मरीजों के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रदान की है, जिससे जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए मरीजों को बाहर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एम्बुलेंस में सभी प्रकार के उपकरणों से लैस है, हालांकि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में अब मरीजों को दिक्कत नहीं आएगी। वही पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अपने विधायक निधि से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जिला चिकित्सालय पन्ना को प्रदान की है, इसमें सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है और मरीजों को लाने और ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐसी एम्बुलेंस जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी उपलब्ध करा सके। देखिए, माननीय मंत्री जी ने अपनी विधायक निधि से एक पन्ना जिला अस्पताल को एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस जो है हमको प्रदान की है। ये एम्बुलेंस जो है इसमें जितने भी तरह लाइफ सेविंग की जितनी सुविधाएं हैं सारी सुविधाएं इसमें हैं। ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई है, 8 घंटे इसमें लगातार ऑक्सीजन, हम 2 जम्बो सिलेंडर रख के ऑक्सीजन सपोर्ट मरीज को दे सकते हैं। कोई कार्डिक अगर प्रॉब्लम है उसको एम्बुलेंस में होती है तो एम्बुलेंस में ही उसको सपोर्ट हम देके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल या सागर हम उनको भेज सकते हैं। निश्चित ही ये कोरोना काल में जो मरीजों की जो गंभीरता बढ़ रही है और या कोई किसी तरह की अगर उनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो ये एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है हमको बहुत काम आएगी। और इसी तरीके से एक माननीय मंत्री जी के निर्देश पे हम लोग एक अजयगढ़ में भी एक हम लोग एम्बुलेंस वहाँ पर खरीद रहे हैं, वहाँ पर भी जल्दी ही 2-3 दिन के एम्बुलेंस प्रदान करेंगे। BCN न्यूज़ के लिए पन्ना मध्य प्रदेश से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।